बीजेपी हमारे सामने का बच्चा है, 1978 में पैदा हुआ, इनसे इनसे हमको खौफ नहीं है। मौजूद अराकीन असेंबली अराकीन मुकन्नना हाजरीन जलसा, सदर मोहतरम को सुनने के लिए हर कोई बेताब, सबसे ज़्यादा तो मैं भी बेताब हूँ, लेकिन हुक्म हुआ है 2 मिनट आपके सामने कुछ अर्ज करूँ। मौजूदा हालात में हर जमात ये कोशिश कर रही है कि हम बरतरी हासिल करें और दूसरी जमात को नीचा पर दिखाएं या उनकी नाकामी के का ऐलान करें। यकीन जानिए आज इस सरजमीन पर अल्लाह के खौफ के साथ बंदों की खिदमत करने वाली अगर कोई जमात है वो सिर्फ कुली मलिशात मुसलमान है, और यही वजह है कि परवरदिगार 60 साल से मुसलसिल मलिशात मुसलमान को कामयाबी से सरफराज फरमा रहा है। इसमें खूबी यह है कि बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, सरकार का सदका है, अहले बैत का सदका है कि मजलिस को कोई हिला नहीं सकता ना नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से आए नुकसान पहुंचाने वाले आज गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। ये अल्लाह की ताकत है जमात के ऊपर। मैं आपसे यही कहूँगा, हमेशा जमात के साथ रहिए, जमात बाकी रहने वाली है। हमारे जैसे छप्पन आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जमात अपनी जगह रहने वाली है, उसको आप आबाद रखिए। अब मौजूदा दौर में लोग दावे कर रहे हैं हमारी जमात जीतेगी, हमारी जमात जीतेगी। नकीब मिल्लत के इरशादात के बाद इलेक्शन के जलसों में हम बताएंगे कौन सी जमात जीतेगी, क्योंकि सदर मोहतरम के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। लबकुशाई होगी, बड़े बड़े इख्तदार में 60 साल हिंदुस्तान पे हुक्मरान जमात आज मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आज तड़प रहे इख्तदार को हासिल करने के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत को मुसलमान अभी भूले नहीं है। सोनिया गांधी ने सालार मिल्लत के सामने मुसलमानों से माफी चाही, 10 साल तक हिंदुस्तान के अवाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत इख्तदार से कांग्रेस को महफूज कर दिया था, आने नहीं दिया। सोनिया गांधी की माफी के बाद 2004 से इनको इख्तदार मिला, वही रविश पुरानी, मुसलमान की दुश्मनी और मुसलमानों को नीचा करने का मनसूबा। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फसादात कराने वाली अगर कोई जमात है वो कांग्रेस पार्टी। हमको उनसे खौफ है जो हमारे साथ दावे और मोहब्बत का दावा करके हमारी पीठ पे खंजर मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह इंतखाबी जलसों में आपके सामने रखी जाएंगी, और यकीनन मुसलमान हक परस्तों का साथ देने वाला है, हक की बुनियाद पर मजलिस को वोट देने वाले हैं। बिला लिहाज तफरीक फिरका व मजहब मुसलमान आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। इंशाल्लाह आइंदा नतायज भी बताएंगे, बड़े बड़े तकारीर होंगे, नकीमत की नकीब मिल्लत की शोला बयानी, हबीब मिल्लत की बेबाकी, हबीब मिल्लत की बेबाकी का जब आगाज हुआ तो लोगों का क्या आलम होगा। नाजाजिए दिल वालों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, 100 नारों में एक नारा नारे हैदर काफी है। झूठ सुना के कब तक नफरत बेचोगे, जालिम तेरी नींद उड़ाने में राग भर।